हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड ईयर में सेकंड पेपर। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट अपना, इसमें दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन वीडियो में। क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा अपना लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स वाई टेंस टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई इज इक्वल टू थ्री को एप्सिलॉन डेल विधि से हल करो। आप देखो एप्सिलॉन डेल विधि क्या होती है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा बीएससी सेकंड ईयर के, उसमें हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। तो आप लोग बीएससी सेकंड ईयर के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट। और क्वेश्चन सेकंड अपन को करना है लिमिट एक्स टेंस टू टू एंड वाई टेंस टू जीरो, एक्स वाई इज इक्वल टू सिक्स को एप्सिलॉन डेल विधि से हल करो। ये अपन के दो क्वेश्चन है, इस वीडियो में अपन को सॉल्व करना है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेगा, एंड वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करेगा। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है अपना लिमिट एक्स टेंस टू वन बाई टेंस टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, एप्सिलॉन डेल विधि पता होनी चाहिए कि इसमें अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ता है। और तो सॉल्व करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू वन बाय टेंस टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री। अब एप्सिलॉन डेल विधि लिखते हैं, क्या होती है एप्सिलॉन डेल विधि से। एप्सिलॉन डेल विधि होती है अपनी लिमिट एक्स टेंस टू एक्स जीरो एंड बाई टेंस टू वाई जीरो एफ ऑफ एक्स बाय इक्वल टू एल। ठीक है, अपन को इस रूप में क्वेश्चन दिया रहता है, फिर इसकी तुलना करके अपन इनकी इनकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन के एप्सिलॉन डेल विधि में ये वाला इक्वेशन लिखी अपन ने, और अपन इसको लिख ऐसे भी एक्स माइनस एक्स जीरो लेस देन डेल एंड बाई माइनस बाई जीरो लेस देन डेल एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ये होती है अपनी एप्सिलॉन डेल विधि। तो सबसे पहले अपन इसकी तुलना जो है समीकरण एक से करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, तो तुलना करते हैं। आप देखो एक्स इज इक्वल टू अपन को एक्स जीरो, एक्स जीरो यानी अपन एक्स जीरो इज इक्वल टू कह सकते हैं वन, एंड बाई जीरो इज इक्वल टू भी अपन वन लिख सकते हैं क्योंकि बाई इज इक्वल टू वाई जीरो। अब देखो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एफ ऑफ एक्स वाई किसने अपन को ये लिखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई एंड एल इज इक्वल टू थ्री लिख सकते हैं। ठीक है, तुलना करते हैं। इतना करने के बाद इनमें अपन वैल्यू पुट करेंगे, इसमें इसमें और इसमें। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स माइनस वन लेस देन डेल एंड बाई माइनस बाई, यहाँ पे बाई वन क्योंकि बाई जीरो की वैल्यू अपनी वन है, लेस देन डेल, तथा लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे अपन एफ ऑफ एक्स बाई की वैल्यू लिखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स बाई की वैल्यू अपनी एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई और माइनस एल, यानी एल की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं थ्री। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन इज इक्वल टू, इसको आगे अब अपन सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस थ्री को माइनस टू माइनस वन लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन को इसके साइड लिख देते हैं और टू वाई माइनस टू। अब जो जो अपन का कॉमन आ रहा है वो लिख लेते हैं, यहाँ से टू कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बाई माइनस वन बचेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो अपन एक्स माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे एक्स माइनस वन और एक साइड अपन एक्स प्लस वन लिख सकते हैं प्लस टू बाई माइनस वन। अब देखो यहाँ पे अपन को क्या करना है, अपन की जो लिमिट दी हुई है वो x इज इक्वल टू वन दी हुई है, तो अपन x माइनस वन के स्थान पर तो अपन डेल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब वन रखेंगे तो वन प्लस वन इंटू टू हो जाएगा, यानी कि ठीक है टू बाई माइनस वन, इनको इनने अलग अलग लिख दिया है, इसका अलग मॉड कर दिया, इसका अलग कर दिया। अब देखो x माइनस वन के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं डेल, तो टू डेल प्लस यहाँ पे अपना टू डेल यहाँ पे भी हो जाएगा क्योंकि टू और इसकी भी वैल्यू अपनी लेस देन डेल है, तो यहाँ पे अपन का जो साइन रहेगा वो भी अपन का चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अपना ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अपन डेल प्लस डेल यहाँ पे अपन एप्सिलॉन लिख सकते हैं, तो अपन को यही सिद्ध करना था कि एफ ऑफ एक्स बाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो अपन का हो जाएगा मॉड एक्स स्क्वायर प्लस
टू वाई माइनस थ्री, ये हो गया अपना प्रूव्ड दैट ये अपन का डेल एप्सिलॉन विधि से सॉल्व हो गया। डेल एप्सिलॉन विधि में अपन को यही फॉर्मूला सिद्ध करना पड़ता है कि जो ये आया अपना एफ ऑफ एक्स बाई माइनस एल, ये अपना एफ ऑफ एक्स बाई था ठीक है, और ये अपना माइनस एल था, तो ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी में है जो अपना ठीक है। अब इसको भी अपन को जो ये क्वेश्चन अपना लिमिट एक्स टेंस टू टू बाई टेंस टू टू एक्स बाई इज इक्वल टू सिक्स, इसको भी अपन एप्सिलॉन डेल विधि से सॉल्व करेंगे ठीक है। सबसे पहले अपन को जो दिया है वो लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू टू बाई टेंस टू थ्री एक्स बाई इज इक्वल टू सिक्स। अब देखो एप्सिलॉन डेल विधि क्या होती है, एप्सिलॉन डेल विधि से सबसे पहले अपन इसकी तुलना कैसे करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स जीरो एंड बाय टेंस टू वाई जीरो एफ ऑफ एक्स बाय माइनस एल इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाय इज इक्वल टू एल होता है ठीक है। ठीक है तो अभी और इसके साथ अपन को होता है मॉड एक्स माइनस एक्स जीरो लेस देन डेल एंड मॉड बाय माइनस बाय जीरो लेस देन डेल एफ ऑफ एक्स बाय माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ये अपन को सिद्ध करना पड़ता है, यानी अपन को इसको लेके चलना पड़ता है, फिर लास्ट में अपन को इसको सिद्ध करना पड़ता है। अब देखो जो ये क्वेश्चन है अपन का इसी रूप में दिया है तो इसकी तुलना करेंगे, तो तुलना से अपन को x इज इक्वल टू एक्स जीरो ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने x जीरो इज इक्वल टू टू एंड बाई जीरो इज इक्वल टू अपन क्या ले सकते हैं, थ्री लिख सकते हैं। यहाँ से तुलना करेंगे जब अपन एक्स जीरो एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो यानी एक्स जीरो के टू बाई जीरो थ्री हो गया अपना। अब देखो अपन इसमें रखते हैं वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू अपनी कितनी है यहाँ पे, जब इसकी तुलना करेंगे तो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू अपना है एक्स इंटू वाई, यानी कि अपन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कह सकते हैं एक्स वाई एफ ऑफ एक्स बाय इज इक्वल टू अपन को एक्स वाई, ये अपन ने तुलना करने पे यहाँ पे अपन का ये आ गया है ठीक है। ये वैल्यू आ गया, अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल इज इक्वल टू लिख सकते अपन मॉड एक्स वाई माइनस एल की वैल्यू अपनी कितनी है यहाँ पे, एल जब अपन ने तुलना की यहाँ पे तो अपना एल इज इक्वल टू सिक्स आया, यानी कि सिक्स। अब देखो यहाँ पे अपन को एक चीज़ याद रखनी है कि अपन को जो क्वेश्चन है अपना ये अपने यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं अपन का ये काय के रूप में आना चाहिए, क्योंकि अपन को एक्स माइनस एक्स जीरो के रूप में चाहिए अपन को, यानी एक्स जीरो की वैल्यू अपनी टू है, यानी एक्स माइनस टू बनाना है अपन को और एक बाई माइनस थ्री बनाना है अपन को। तो यहाँ पे अपन एक्स वाई माइनस सिक्स प्लस थ्री एक्स कर देंगे एक बार और एक बार माइनस थ्री एक्स कर देंगे ठीक है। अब लिख सकते अपन एक्स वाई माइनस थ्री एक्स इसके साथ माइनस और ये अपन का प्लस थ्री एक्स माइनस सिक्स लिख सकते हैं ठीक है। यहाँ पे अपन एक्स कॉमन ले लेते हैं तो अपना आ जाएगा बाई माइनस थ्री एंड प्लस यहाँ से अपन का थ्री कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस टू आ जाएगा। इनको अलग अलग कर लेते हैं अपन मॉड के बाहर कर लेते हैं, यानी कि मॉड एक्स बाई माइनस थ्री ये अलग हो जाएगा एंड मॉड थ्री एक्स माइनस टू ये अलग हो जाएगा। अब देखो बाई माइनस थ्री जो अपन का है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग बाय ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग एक्स माइनस एक्स जीरो यानी एक्स माइनस टू लेस देन डेल, इसकी वैल्यू अपनी लेस देन डेल आ रही है। यहाँ पे अपन का बाय माइनस थ्री लेस देन डेल ठीक है, अपन की इसकी वैल्यू लेस देन डेल आ रही है तो अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं चूंकि एक्स माइनस टू लेस देन डेल एंड बाई माइनस थ्री लेस देन डेल एंड एक्स जीरो की वैल्यू अपनी क्या थी टू थी, यानी एक्स जो था अपना एक्स इज इक्वल टू अपना क्या था एक्स काय को शो कर रहा था टू को, लिमिट अपन की टेंस कर रहा था तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अपन ठीक है। तो एक्स के स्थान पर अपन क्या ले सकते हैं टू एंड लेस देन डेल, यानी लेस देन यहाँ पे अपन का साइन भी अपन का चेंज हो जाएगा क्योंकि लेस देन डेल चाहिए, तो यानी टू डेल प्लस थ्री अपन का बाहर आ जाएगा, एक्स माइनस टू की वैल्यू थी लेस देन डेल यानी यहाँ पे भी अपन का डेल आ जाएगा, यानी कि फाइव डेल। इसको लिख सकते हैं अपन एप्सिलॉन, तो अपन को यही सिद्ध करना था एफ ऑफ एक्स बाय माइनस एल लेस देन डेल, ये हो गया अपन का प्रूव्ड, यहाँ पे अपन का एप्सिलॉन विधि से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इस प्रकार अगर आप लोग के लिए और भी क्वेश्चन एप्सिलॉन डेल विधि से हल करने के लिए आते तो आप लोग हल कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, थैंक यू।